दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि रिलायंस जियो ने जियोसात ऐप में फ्री इंग्लिश लर्निंग कोर्स लॉन्च कर दिया है और हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ अविनाश शर्मा और स्वागत है आप लोग सबका एक्सक्लूसिव अभी यूट्यूब चैनल में। रिलायंस जियो ने ब्रिटिश काउंसिल के साथ पार्टनर करके रिलायंस जियो का जो जियो सात ऐप है उसमें एक इंग्लिश लर्निंग चैनल लॉन्च किया है और इस चैनल का नाम जो है वो लर्न इंग्लिश चैनल है। ये टोटली फ्री रहेगा और यूजर को हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो एंड टेक्स्ट के रूप में बहुत सारा इंग्लिश लैंग्वेज का रिसोर्स मिल जाएगा। एंड जियो सात यूजर को जो जियो एक्सप्लोर सेक्शन है उसमें ब्रिटिश काउंसिल का इंग्लिश क्लब का वीडियो स्टोरीज भी आपको मिल जाएगा। ब्रिटिश काउंसिल के बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। ब्रिटिश काउंसिल जो है वो एक्चुअली पूरा दुनिया में इंग्लिश लैंग्वेज सिखाते रहता है और वो लोग इस मामले में एक्सपर्ट है। वही बात नॉन जियो यूजर का, जो लोग जियो यूज नहीं कर रहे, जिन लोग के पास जियो का सिम नहीं है, वो लोग भी अपने स्मार्टफोन में जियो चैट एप्स को डाउनलोड करके ये फैसिलिटी को यूज कर सकता है, ऐसा जियो ने बताया है। जियो चैट रिलायंस का एक मैसेजिंग ऐप है जो कि ब्रांडेड चैनल कॉन्टेस्ट एंड लर्निंग सेगमेंट के द्वारा यूजर को इंटरेक्टिव एंगेजमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है पैदा करता है। ये जो जियो चैट है वो जियो डिजिटल लाइफ इकोसिस्टम का ही एक हिस्सा है। जियो इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल सर्विस नेटवर्क है। जब से जियो इंडिया में लॉन्च हुआ है तब से हर महीना मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर जो है जियो को मिल रहा है। ब्रिटिश काउंसिल का जो काउंटी डायरेक्टर है उन्होंने बताया है कि आजकल लगभग हर तरह के काम में इंग्लिश जरूरत पड़ रहा है और इंग्लिश अगर आप जानते हैं तो आप जो भी काम करो, कैसा भी काम करो, उस पे ग्रोथ जो है वो भी ज्यादा हो रहा है। इसीलिए जियो ने ब्रिटिश काउंसिल के साथ मिलके हर तरह का बैकग्राउंड का आदमी को इम्प्रूव करने के लिए ये प्लानिंग किया है। लर्न इंग्लिश जो है वो ब्रिटिश काउंसिल का एक रिसोर्स है जो इंग्लिश सीखने वाला लोगों का इंग्लिश स्किल इम्प्रूव कराता है और इसका ज्यादा फोकस जो रहता है वो कन्वर्सेशनल इंग्लिश में रहता है। मतलब हम लोग जो डे टू डे लाइफ में बात करते हैं ऐसा वाला इंग्लिश के ऊपर उन लोग का ज्यादा फोकस रहता है। जो लर्न इंग्लिश का जो ऑडियो एंड वीडियो मटेरियल है उसको डेवलप किया गया है स्पेशली इंग्लिश फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने के लिए, एंड जो वोकेबुलरी एंड ग्रामर दो इम्पोर्टेंट चीज, इसको भी अच्छा करने के लिए उसको डेवलप किया गया है। और जो हम लोग का डेली टू डेली लाइफ पे का, चाहे वो जॉब लाइफ पे हो चाहे वो कुछ अलग काम का लाइफ पे हो, जैसा वाला इंग्लिश यूज होता है ऐसा कंटेंट भी यूजर को फ्री में ही इस चैनल में मिल जाएगा। और अगर सब्सक्राइबर को कुछ और चीज चाहिए, उन लोग को कुछ स्पेशल चाहिए, तो वो लोग चैनल को डायरेक्ट मैसेज कर सकता है और चैनल से डायरेक्टली आपको इंस्टेंट रिप्लाई भी मिल जाएगा। ये जो लर्न इंग्लिश चैनल है इसको स्पेशली डिजाइन किया गया है मोबाइल के लिए ताकि यूजर जो है, आदमी लोग जो है, इसको कभी भी कहीं से भी यूज कर सके। ब्रिटिश काउंसिल का जो इंग्लिश क्लब है उसमें अलग अलग रेंज का वोकेबुलरी सेट है, वो भी एंटरटेनिंग एंड ह्यूमर दोनों फॉर्मेट में, और हर सेट में जनरल इंटरमीडिएट एंड एडवांस तीन वर्ड फॉर्मेट रहेगा, वर्ड सेट रहेगा अलग अलग आदमी के लिए। बिगिनर के लिए अलग हो गया, जो नॉर्मल वाला उन लोग के लिए अलग हो गया, जो एडवांस लोग हैं उन लोग के लिए भी अलग अलग वर्ड सेट रहेगा जो कि काफी अच्छा है। सबके लिए सेम नहीं रहेगा तो अच्छा ही रहेगा। और एक अच्छा चीज क्या है कि जो लोग को अपना जॉब में या अपना बिजनेस में इंग्लिश यूज करना होता है उन लोग के लिए बिजनेस रिलेटेड वोकेबुलरी का स्पेशल कलेक्शन भी रहेगा, वो भी फ्री में। ये जो जियो चैट का ये स्पेशल फीचर्स लर्न इंग्लिश चैनल जो होगा वो जल्दी ही आने वाला है और ये आने से मुझे लगता है कि इंडिया में बहुत लोगों को फायदा होने वाला है। बहुत लोग चाहता है इंग्लिश सीखे या इंग्लिश बोले लेकिन बोल नहीं पाता है या सीख नहीं पाता है बहुत सारा कंडीशन के कारण, तो अभी वो लोग किसी का हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़े, डायरेक्ट अपने मोबाइल से ही इंग्लिश सीख सकेगा, बहुत अच्छा चीज है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए तो आपको भी इस टाइप का टेक्नोलॉजिकल वीडियो मिलते रहेगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहेगा। देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।